नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक हो वुमेन्स डे। ईच एंड एवरी वुमन ऑफ दिस एरा, और कहना चाहूंगी कि इस नई जनरेशन में जो बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको भी मैं ये वुमेन्स डे, अपकमिंग वुमेन्स डे, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और हर माँ को, हर बहन को, हर उस औरत को सलाम जो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं लाइफ में, जिनके बगैर हम अधूरे हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जिनका मैं वर्णन करना चाहूँगी, और सिर्फ आज ही के दिन नहीं, जैसे कि हर्ष ने कहा, मेरे भाई हर्ष माहेता ने कहा, अपनी वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि हम हमेशा अपनी मम्मी को, अपनी बहन को वुमेन्स डे पे ही ज़्यादा क्यों याद करते हैं, कुछ और दिन पे क्यों याद नहीं करते हैं। तो मेरी वीडियोस पे मैं हमेशा थैंक यू हमेशा बोलती रहती हूँ मेरी दोस्तों को, मेरी फैमिली को। तो उसी तरह से मैं अपना फ़र्ज निभाती रहती हूँ, आपको भी करना चाहिए। तो वापस से थैंक यू कहना चाहूँगी सुधा माँ को, उनका कल बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू सुधा माँ इन एडवांस। एंड मैं मेरी दोस्त मोमिता को और रीमा को और मेरे जो भी फैमिली में जो भी औरतें हैं उन सबको बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी, एंड टू माई सेल्फ एज वेल हैप्पी वुमेन्स डे भूमिका। सो एंड मेरी माँ जो ऊपर है ऑब्वियसली। एनीवेज, तो आज मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो मैंने जस्ट ऐसे ही कर दी क्योंकि मुझे लिंक नहीं मिल रही थी, और मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये बहुत ही पुरानी बातें हैं, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो सबूत के तौर पे हम नहीं ले सकते हैं। एंड बाद में पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी वीडियो है, एक साल डेढ़ साल पुरानी वीडियो है। एनीवेज, तो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि मैं रेगुलरली नवाब मलिक के ऊपर आजकल बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हर वो नाइंसाफी पे बोलती हूँ जो जिसके ऊपर बोलना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। तो उसमें एक आता है नवाब मलिक, जो बहुत ही ज़्यादा अधर्मी, मैं कहूँगी इनजस्टिस करता है लोगों के साथ, इनजस्टिस करता है अपने शब्दों को यूज़ करके, अपनी पोजिशन को यूज़ करके बहुत लोगों को तंग करता है, बहुत लोगों के मन को झंझोड़ता है। वो आज खुद सलाखों के पीछे है। यस, फाइनली नवाब मलिक इज यू नो बिहाइंड द बार्स, नो मैटर 14 डेज के लिए, बट है तो सही। तो उसी के ऊपर मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि कल जो 7 मार्च को उसने एक नाटक किया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई एंड उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जबकि हम जानते हैं कि वो एक रूटीन चेकअप था, और उसने बहुत ट्राई किया कि उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, और उसे कोर्ट कहे कि भैया ये तो बहुत तबीयत खराब है इसकी, इसे घर भेज दो, इसे ना रिमांड की जरूरत है ना जेल जाने की, उसे घर भेज दो। तो वैसा हुआ नहीं। मैं बताती हूँ आपको कि क्या हो रहा है, मैं आपको पूरी पुष्टि की हुई बातें बताती हूँ जो सच्चाई के ऊपर बेस है, बिकॉज मैं अब बकवास नहीं करना चाहती। तो बात ये हुई कि कल कोर्ट में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, जिसपे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 3-3 केसेस चल रहे हैं नवाब मलिक के खिलाफ, जो ईडी ने जाहिर करे थे, जो दर्ज कराए थे, जिसमें से एक या दो ऐसा लग भी रहा था कि चलो हो सकता है उसे जेल ना हो, उसे रिमांड पे डाल दिया जाए, बट कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से उसे जेल हो सकती है। एंड फाइनली उस अधर्मी को, इनजस्टिस करने वाले नवाब मलिक को जेल भेज दिया गया फॉर 14 डेज एज ऑफ नाउ। 21 मार्च को आगे की कार्यवाही होगी, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए कोर्ट रूम में, एंड उसे जेल भेजा गया। वो अभी आर्थर रोड में है। शाम 5-5:30 बजे ही कल 7 मार्च को उसे आर्थर रोड भेज दिया गया, और उसे जिस बैरक में रखा गया है उसे विचारधार्मिक बैरक कहा जाता है, जिसमें 14-15 डेज जिसको जेल की जाती है, जिसको टेम्प्ररी आईडी दी जाती है, जो उसे भी मिलेगी कुछ दिनों में, वो भी मैं आपको अपडेट करूंगी जल्द से जल्द कि कौन सी उसको टेम्प्ररी आईडी मिलती है। और उन लोगों को ही रखा जाता है जिसको पूरी तरह से मतलब सजा नहीं सुनाई जाती है, जब जिसके ऊपर अभी भी कार्यवाही चलती है, उन लोगों को उस जेल के बैरक में डाला जाता है।
अब उसके आसपास जो बैरक है उसमें खूंखार कैदी भी है, क्रिमिनल्स है जिनकी आवाजें आती है, और ये सब सुनकर, ये सब सोचकर नवाब मलिक बहुत ज्यादा टेंशन में है। और कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वो बैठ भी नहीं रहे हैं और वो मतलब बहुत बेचैन है, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि उन्हें जेल हो जाएगी और उन्हें जेल के अंदर भेजा गया है। और उस बैरक के पास जो, जिस तरह से मैंने आपको बताया क्रिमिनल्स है, तो आवाजें आती हैं और जिस बैरक के अंदर वो है वहां पे हुम्बस होती है, गर्मी है, अभी गर्मी का माहौल है, उसे कोई एसी तो नहीं मिलने वाला है, तो वो भी गर्मी में रहेंगे और बहुत ही कम लाइट में रहेंगे, और उनको एक कंबल, एक तकिया और कुछ बर्तन जो जेल में मिलता है हर एक कैदियों को, वैसे ही उन्हें भी मिला है, उसी में उसे गुजारा करना पड़ेगा। अब आपको पता ही होगा सलमान खान ने भी एक बड़ा सा एल्युमिनियम का एक, कह सकते हैं, एक मग था, एक कप था बड़ा सा, जिससे उसे खाने पीने में भी यूज करना था और धोने के लिए भी यूज करना था। तो वही हालत अभी नवाब मलिक की है, जो इंसान बहुत एरिस्टोक्रेसी में रहता था उसे अब वैसे रहना पड़ेगा, और एक कंबल मिला है कि अगर उसे ठंड लगे तो, बट बेटा वो सो ही नहीं रहा है क्योंकि पत्थर का जो बेड मिला है उसको, उसमें उसकी बहुत हालत खराब है। बड़ा मजा आ रहा है मुझे ये सब बोलने में, क्योंकि अधर्मियों को इस तरह की सजा मिलती है ना, तो अपने आप हमारे इंसाफ के मतलब लिए हमारी सीढ़ी चढ़ने का जो मैं कह सकती हूँ जो मुकाम हम चाहते हैं उसके उसके लिए हमारी कोशिशें और भी मुकम्मल होने लगती है, और भी हमें उत्साह होता है कि जरूर से इंसाफ मिलेगा, और हमारा उत्साह अब बढ़ चुका है। एंड कहा जा रहा है कि अब वो इंतजार करता है सुबह होने के लिए, क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, और वो कल पूरी रात को सोए नहीं, 6 बजे उठते उठते ही बहुत हलचल होने लगी, और अब वो बहुत डर डर के बैठे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बट वो कितने दिन तक चलेगा। उसे सिर्फ 4500 रुपये मिलेंगे, यानी कि 4500, वो भी महीने के, जिससे वो कैंटीन से कुछ खाना वाना, पानी वानी जो भी उसे मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। सोचो मतलब जो हजारों हजारों रुपए डाल डाल के अपना खाना खाना खाता था, उसे 4500 रुपये में अब गुजारा करना है, और जाओ और करो। समीर वांखड़े के ऊपर केस और ये वो बहुत खतरनाक, बहुत कुछ बोलते थे ना, अब खुद फंसे हो, अब मजा आएगा, अब बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा कि बहुत मजा आया। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत कुछ है जो आंखों के सामने है, बट दिख रहा है, हमें दिख रहा है, बट पुलिस को नहीं दिखता है। और मुझे ये भी शॉकिंग नहीं लगेगा कि 14 दिन के बाद उसे बेल मिल जाए, बट ये 14 दिन भी उसके लिए 14 सालों का वनवास होगा, क्योंकि उसी बैरक के अंदर बाथरूम बनाया जाता है और उसी के अंदर सब कुछ करना है, जो बदबू होगी, जो वातावरण होगा, माय गॉड, आई कांट एक्सप्रेस इट, बड़ा मजा आ रहा है यार। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और मेडिकल जो भी जांच होती है वो सब हो गई है, अभी फिलहाल ही इज ओके, घर से खाना नहीं मिलेगा, उसे जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। हाँ, दवाई अलाउड है अभी फिलहाल, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत मुशक्कत उसके वकीलों ने करी थी कि ही इज वेरी बीमार, उसको दवाई एटलीस्ट मिलनी चाहिए, तो दवाई के लिए हाँ हो गई, बट घर के खाने की उसे अलाउंस नहीं है। और अभी वो कैदी के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अभी वो घर से आए हुए कपड़े पहन रहे हैं, 14 दिन के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। 21 मार्च के लिए अब इंतजार है, 21 मार्च को इस अधर्मी को और कितनी सजा मिलती है या बेल मिलती है या जो हो रहा है वो मैं आपको वापस अपडेट करूंगी। तब तक मुझे साथ दीजिए अपना, अपना क्या कहते हैं, अपने अपने साथ से मुझे और उस मुकाम पर ले जाइए जहां पर आपको सच्चाई और सच्ची खबरें मिले, क्योंकि मैं मिर्च मसाला डालने में बिलीव नहीं करती और ना ही मुझे अच्छा लगता है, वो मिर्च मसाले सिर्फ अपने मैं खाने में ही डालती हूँ क्योंकि खाने का मजा आता है, और मिर्च मसाला डाले बगैर जो रियल बातें हैं वो बहुत कम लोग बताने वाले होते हैं, जो मैं इकलौती नहीं कह सकती, ऐसे 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी तरीके से आपको असल बातें बताते हैं। और रही बात, सुना है विद्युत जागवात
जो उनका नाम है विद्युत, जो बहुत बड़ा एक्टर है, वो होस्ट करने वाला एक शो जहां पर बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा जो अपनी टैलेंट को दिखा सकता है। एंड स्पेशली ये एंटी नेपोटिज्म के ऊपर भी बनाया गया है। और रही बात कंगना का जो शो चल रहा है, वो बहुत कम जन देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये न्यूज आई हुई है। अब पता नहीं कितने लोग आप लोग देख रहे हो, मत देखो यार ऐसे लोगों को, क्योंकि ये सब घटिया शोज जो हो रहे हैं वो उसमें कोई मतलब मुझे तो कोई इंटरेस्ट वाली कोई बात ही नहीं लगती है कि निशा रावल ने अपने हस्बैंड को मारा या उसने उसको मारा। ये कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस जो कोई भी तरीके से उठे नहीं थे, वो अचानक से कंगना रनौत और एकता कपूर उठाने वाले हैं और उन लोगों को मतलब अपने सेल में रखने वाले हैं। पूनम पांडे जो कहती है मेरे पति ने मुझे मारा था, मैं आई हूं ताकि आप लोग मुझे देखो, आप लोग समझो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तो वो लोग खुद अपना प्रमोशन कर रहे हैं। सो मुझे ऐसी चीजों में बहुत ही कम इंटरेस्ट है और मैं तो ऐसी चीजों को बॉयकॉट वैसे भी कर रही हूं, एंड अगर बॉयकॉट वाला सीन नहीं होता तो भी नहीं देखती। ये बिग बॉस के तुलना में अच्छा है या नहीं है, ऐसी बातें चल रही है, कंपैरिजन चल रहे हैं, मेरे लिए तो दोनों ही बेकार है। तो आप लोग सोचिए आपको क्या करना है। बहरहाल आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको असल खबरें मिले और जल्दी मिले। तब तक के लिए जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये हमारा भरोसा है और ये भरोसा कोई नहीं तोड़ सकता, मेरा भरोसा तो कोई नहीं तोड़ सकता, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, बाय बाय।